सबसे पहले तो इस बात की सपोर्ट मिल रही है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने ये श्री माता वैष्णो देवी के नाम से जो हमारी आस्था से जुड़ी हुई वैष्णो देवी है उसके नाम पे जो सीट दी है। मैं सबसे बड़ी अगर कोई लहर है और सबसे बड़ा अगर किसी में उत्साह है वो इस बात का है कि जो पहली बार विधानसभा श्री माता वैष्णो देवी के नाम की बनी है तो लोग उत्साहित हैं, वोटर मतलब कि बिल्कुल तैयार है कि हम पहली बार माता वैष्णो देवी के नाम पर वोट करें और जहाँ से कमल के फूल को जिता के जिसका निशान मशीन पर पहले नंबर पर है बलदेव शर्मा का, उसको मतलब कि 25 तारीख को दबा के विजयी करें। आज प्रचार के आखिरी दिन श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा में एक भव्य रैली निकाली है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो जन सलाहबाज हमारे आदरणीय यहाँ के प्रत्याशी बलदेवराज शर्मा जी के लिए देखने को मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि जब 8 को नतीजे आएंगे पूरे जम्मू कश्मीर में इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा लीड ही विधानसभा की होगी। और एक बार फिर से मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ही कहूँगा कि 25 तारीख को कमल का बटन दबाएं और हमारे प्रत्याशी बलदेवराज शर्मा जी के पक्ष में वोट डालें और वो आपका वोट डेवलपमेंट के लिए होगा। आपका धन्यवाद। पूरे भूमाग में बहुत सपोर्ट मिल रहा है और पूरे जो श्री माता वैष्णो देवी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें मैं कह सकता हूं कि बड़ी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, माता रानी के चरणों में बनी हुई ये कॉन्स्टिट्यूंसी मात्र 57,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस 57,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी में 32 पंचायतें हैं, 3 ब्लॉक हैं और एक म्यूनसिपल्टी का एरिया हमारा कटरा खूबसूरत टाउन है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ी लीड अगर जम्मू कश्मीर में होगी तो श्री माता वैष्णो देवी 58 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें होगी और बलदेव राज जी शर्मा जो हमारे प्रत्याशी हैं प्रचंड बहुमत से यहां से विजयी होकर के आने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें बड़े ऊँचे पद पर होंगे। भारत माता की जय, बोलो जय माता दी।